क्वेश्चन नंबर चार, समीकरण युग्म चार एक्स वत्ता तरण वाई बराबर चौदह अने खाली जगह ना आलेख समांतर रेखाओ छे। जो समांतर रेखा एक कंडीशन छे, अपने बधाने खबर छे के ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू थाय तो आ समीकरण ने उकेल नहीं मळे। उकेल न मळे एटले आनो आलेख केवो आवशे, तो के समांतर रेखाओ। तो चलो सरखावी दईए आ समीकरणनी साथे, पहला ऑप्शन साथे पेलू लियो। आम तो जोई लेवाय, अहींथी ज देखाय चार एक्स त्रण एक्स त्रण वाई चार वाई, ए वन अने ए टू सरखा नथी तो ई न लेवाय। चार एक्सना छेदमां आठ वाय, ત્રણ વાયના છેદમાં છ વાય, ચાલો એકના છેદમાં બે, એકના છેદમાં બે ચૌદના છેદમાં અઠ્યાવીસ, એટલે એ પણ એકના છેદમાં બે સરખું થાય નથી લખતા। ચાલો ચાર એક્સના છેદમાં બાર, ત્રણ વાય મૂકીને જોઈએ। જો ચાર એક્સ વત્તા ત્રણ વાય બરાબર ચૌદ, અહીંયા એ વન બી વન અને સી વન કેમ લખવાનું, તો ચાર એક્સ પ્લસ ત્રણ વાય માઇનસ ચૌદ બરાબર ઝીરો, આમાં એ વન ચાર બી વન ત્રણ અને સી વન આવશે માઇનસ ચૌદ। सेम एवी ज रीते ए टू, बीजा आपणे सी विकल्प में लईए तो ए टू में बार, बी टू में नौ अने सी टू आवशे बराबर नहीं आ बाजू एटले बेतालीस। चार ना छेद में बार एटले एकना छेद में त्रण, आपण एकना छेद में त्रण अने आपण एकना छेद में त्रण एटले ई ऑप्शन पण आवशे नहीं। हजी आने चेक कर लईए, माइनस बार एक्स माइनस नौ वाई बराबर जीरो, तो ए वन बराबर माइनस बार, बी वन बराबर माइनस नौ अने सी वन अचल पद ज नथी तो जीरो कही दियो। तो आमा शू आवशे, आने आपणे ए टू कहीए, बी टू कहीए अने आ सी टू। सेम पेलू समीकरण में ए वन तो अहीं मैं लखेला ज छे, जो ए वन चार बी वन त्रण अने सी वन माइनस चौद। चलो ए वन अपन ए टू लियो, चार ना छेदमां माइनस बार, एक माइनस एकना छेदमां त्रण, त्रणना छेदमां माइनस नौ, ई पण माइनस एकना छेदमां त्रण, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू छे पण जीरो, माइनस चौदना छेदमां जीरो इज नॉट इक्वल टू थाय। जो बेनो गुणोत्तर सरखो, त्रीजू नथी एटले आ कंडीशननुं पालन थाय, अमे छेदमां जीरो आवे ज नहीं एवुं कोई पद ज न होय, पण आपणे एनो मतलब नथी, आपणे तो आ कंडीशन एप्लाय थाती नथी एटले अहींया आ समीकरणमां આનો આલેખ કેવો આવશે, સમાંતર।